मेरा नहीं ख्याल, उधर ऐसा आप देखे ना पिछले दिनों एक इशू उठा हुआ था बुरका पहनने के ऊपर, कॉलेज का एक इशू जी, बिल्कुल ऐसी है। तो उधर तो मुझे ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स भी इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्हें मुसलमान जो खवातीन हैं उनको अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी हो के वो अपने मजहबी फ़राइज़ जो हैं। मैंने NDA 149 कोर्स के लिए एक एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27th of December को मैं NDA ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। वो देखे ना हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्कार वाला हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्कार्फ नहीं। सर यूनिफॉर्म को छोड़े ना आप। टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा ने NDA की परीक्षा पास कर ये मुकाम हासिल किया है। सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के पद पर चयनित हुई है। सानिया देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट महिला होंगी। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनोरिटीज की कंडीशन और इंडिया में जो मिनोरिटीज हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज है उसकी कंडीशन में कहां पर ज्यादा राइट मिल रहे हैं? जी पाकिस्तान में ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके लेकिन नहीं, भी नहीं, 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 नहीं सर वो आप जनरल देखे ना बात। मैं यही कह रहा हूँ ना कोई एक नाम बता सर नाम मैं तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है जिनका नाम सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाली है। उन्होंने NDA में 138वां रैंक हासिल किया है। भारत की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी थी जो 2015 में बनी थी। सानिया मिर्जा के फादर एक टीवी मैकेनिक हैं। ये उन लोगों के गाल पे थप्पड़ है जो थोड़ी सी पब्लिसिटी पाने के लिए अपने ही देश का नाम पूरी दुनिया में खराब करते हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले कर्नाटक के एक कॉलेज में एक लड़की ने हिजाब को लेकर किया था। स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई करने के लिए होते हैं और कुछ लोग अपने मतलब के लिए इसमें रिलीजन को ले आते हैं। JNU यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े करने वाला ग्रुप एक्टिव रहता है। इनके झांसे में आकर अच्छे खासे स्टूडेंट्स अपना कैरियर खराब कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों को सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान के दूसरे फाइटर पायलट बनकर जवाब दिया है और बताया कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। अगर पढ़ाई पर फोकस करोगे तो आपका फ्यूचर सेफ रहेगा, नहीं तो थोड़े दिन टेलीविज़न पर आओगे और न्यूज़ की तरह गायब हो जाओगे। अब ये सब इंडिया में हो तो पाकिस्तानी मीडिया क्यों चुप रहेगा? पाकिस्तानी पब्लिक ये भी सोचती होगी कि हमें तो यहाँ पर बताया जाता है कि मुसलमान पर इंडिया में अत्याचार होता है और इंडिया में मुस्लिम दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि इंडिया की यूपी से बिलोंग करने वाली सानिया मिर्जा जो कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडिया से और पाकिस्तान में, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहते। पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया की जो मुस्लिम खवातीन है उन्हें आगे बढ़ने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं। कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली कोई एक ऐसी वुमेन बताएं जो कि फाइटर पायलट हो या किसी भी फील्ड में किसी अच्छे ओहदे पर हो। अवनी चतुर्वेदी जो कि फ्लाइट अटेंडेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई है। पाकिस्तान में तो जैसे तासुर दिया जाता है कि इंडिया की खवातीन मुस्लिम खवातीन को उन्हें मतलब उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे या उन्हें बहुत दबाया जा रहा है। मैं इस हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक फील्ड बताएं जिसमें इंडिया की कोई एक फील्ड जहाँ पर आप कह सकें कि इस फील्ड में इंडिया की मुस्लिम खवातीन में से कोई खातून मौजूद नहीं। नहीं मेरे मैंने इतनी डीप उसकी स्टडी नहीं की लेकिन वहाँ पे ना पॉइंट जो है ना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा एस्केलेट किया जाता है चीजों को। कोई भी इशू जैसे पर्दे का मामला था एक मतलब छोटी बात को बड़ा करके बढ़ा दिया जाता है। इतना इशू होता नहीं जितना मीडिया पे हमें दिखा दिया। जितनी पॉपुलेशन है ना वहाँ पे अगर 1000 बंदों में से एक केस आता है तो यहाँ पे 100 में से एक केस आता है, तो हमारे ये रेशो ज्यादा है उनके मुताबिक। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है रिपोर्टिंग है, लोग रिजिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अनरिपोर्टेड केसेस इतने ज्यादा है, ना कोई रिजिस्ट करता है ना कोई रिपोर्ट करता है। अभी तो हम बात करें मुस्लिम की, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन और फिर अगर हिंदू खवातीन की बात करें या मिनोरिटीज की बात करें जो सिंध वाली साइड पे, आपको क्या लगता है उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं? अगर आप बिल्कुल रियलिस्ट होकर बोले। नहीं सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स है ना सिविल राइट्स है वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो? उसके साथ बेहतरी हो रही होगी। इंडिया में मुसलमान खवातीन को राइट्स मिल रहे हैं या नहीं? इंडिया में तो आपके सामने हालात है, हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, चैनल्स पे देखते रहते हैं, आए दिन ज्यादती मारना पीटना हरासा करना। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो अकलियत में है खवातीन उनको मुकम्मल तहफ़ है। इधर पाकिस्तान में ना हिंदू के साथ कोई इशू है, ना सिख के साथ कोई इशू है, ना क्रिश्चियन के साथ कोई इशू है। पहले मुझे ये बताएं इंडिया में जो मुसलमान है आपने बोला आए दिन इश्यूज देखते रहते हैं, कोई एक इशू बताएं, और फिर जो आपने बोला पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है। नहीं, वो देखे ना हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्कार वाला हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्कार्फ नहीं। सर यूनिफॉर्म को छोड़े ना आप। तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो जो आज के गर्ल कम्युनिटी है उनको ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर करे।
तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था। और फिर एनडीए की वैकेंसीज आई, 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्जाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सिलेक्टेड हुई। इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम गर्ल इज गोइंग टू बिकम ए फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, हुज नेम इज सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इज बिलोंग टू मिर्जापुर, ए स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश। शी हैज सिक्योर्ड 148th रैंक इन एनडीए। India's first fighter pilot was Avni Chaturvedi, who was commissioned in 2015. This is a slap on the face of those people who spoil the name of their own country in the whole world to get a little publicity. Few days ago in a college in Karnataka, a girl had created tension in whole India. Schools and colleges are place to study, and some people bring religion in it for their own interest. For example, the Ture Ture group active in JNU University. By falling in their trap, many students spoil their career. Sania Mirza has answered such type of people by becoming the second fighter pilot of India. If you focus on studies, then your future is safe. Otherwise, you will come on television for a few days and disappear like any other news. Now all this happens in India, then why will Pakistan media remain silent? The public of Pakistan thinking that Muslims have no rights in India. मेरा क्वेश्चन ये था, कोई एक एग्जांपल, जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, सानिया मिर्जा टेनिस स्टार है, इसके अलावा अभी उनकी एक और सानिया मिर्जा उसका नाम है, और वो फीमेल फाइटर पायलट बनी है, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा निग्गा जरी है, वो जो कि बॉक्सिंग करती हैं, इसके अलावा बहुत सी खवातीन हैं उनकी, और एक्टिंग में देख लें, एक्ट्रेस देख लें, एक्ट्रेसेस देख लें, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से कोई एक एग्जांपल दी, उधर आप बता रहे हैं इंडिया में कोई पाकिस्तानी? नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो मैंने एग्जांपल दी जो मुस्लिम खवातीन है बड़े बड़े ओहदों पर है, पाकिस्तान में हिंदू खवातीन में से कोई जो बड़े ओहदे पर? सर, पाकिस्तान में हिंदू पॉलिटिक्स में भी है, उसके अलावा हिंदू मेरे ख्याल गेम्स में भी है, लेकिन मैं नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है, आपका ख्याल है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं है जैसे शायद होना चाहिए। एक डीएसपी है कराची से, वो बिलोंग करती हैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और वो उनके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी जिन्होंने सीएसएस के एग्जाम क्लियर किए थे। ओवरऑल इन शॉर्ट आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनोरिटीज की कंडीशन और इंडिया में जो मिनोरिटीज हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज है उसकी कंडीशन में कहां पर ज्यादा राइट मिल रहे हैं? जी, पाकिस्तान में ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके, लेकिन फिर भी नहीं नहीं सर, वो आप जर्नल देखे ना, बात मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई एक नाम बता। सर नाम मैं तो सॉरी, मेरे जेन में इस वक्त नहीं आ रहा। और उधर आप देखें, मुसलमान जो मर्द है उनको भी अपना बिजनेस रन करना पड़ता है, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन हमें तो ये पता है कि वहाँ पर अगर प्रॉपर तौर पे जो मेरिट पे उतरता है उसे जॉब दी जाती है। अभी आज एक मुस्लिम खातून है जो पहली मुस्लिम फाइटर, वुमेन मुस्लिम फाइटर बनी है इंडिया से, जिसका नाम है सानिया मिर्जा। और इसके अलावा बहुत सी बॉक्सिंग की फील्ड में एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा अगर हम टेनिस की फील्ड में देखें वहाँ पर भी सानिया मिर्जा, वो भी इंडिया से। पाकिस्तान से आप बता दें, पाकिस्तान में क्या खवातीन को राइट्स हैं? पाकिस्तान अलहमदुलिल्लाह मुकम्मल राइट्स हैं। मेरी जो मिसिज हैं, जैसे वो टीचर हैं, शीज़ टीचर है। तो वो अपना टीचिंग इजी से कर रही हैं। मेरी जो भाभी हैं वो भी टीचर हैं, और इस तरह मेरी हमशीरा जो है वो डॉक्टर हैं। तो अलहमदुल्ला पाकिस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं है वुमेन की जो है पावर आजादी के लिए। हाँ जी, वो इधर जो अपने खुद की फील है, जैसे इंडिया में मुस्लिम खवातीन की मैंने आपसे सवाल पूछा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।